नगीन, नगीन क्या हो गया आपको? कहाँ जा रही हैं आप? मेरी बात तो सुने। जहाँ भी आपका मसला नहीं है। नगीन कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने आपको प्रपोज किया हुआ है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आप कह रही हैं कि मेरा मसला नहीं है। मैंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ आपने नहीं किया, लेकिन मुझे ये तो बताइए क्या प्रॉब्लम है मुझमें, क्या कमी है? कमी आप में नहीं मुझ में है। आप अपनी वालदा के इकलौते बेटे हैं, उनकी तमाम उम्मीदों का वाहिद मरकज। ऐसी माएं अपने बेटों के मामले में बहुत हसास होती हैं, खूब से खूब तर की तलाश में होती हैं, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे होते हैं उन्होंने। वो मुझ जैसी लड़की को कभी भी अपनी बहू तस्लीम नहीं कर सकती, जिसके ना आगे कोई ना पीछे। मैं इन सब बातों को नहीं मानता, और वैसे भी आपसे शादी का फैसला मैंने जज्बात में नहीं, पूरे होशो हवास में किया। रहा सवाल मेरी अम्मी का, तो मैं आपसे कह रहा हूँ मैं उन्हें मना लूँगा, वो मान जाएंगी हमारी शादी के लिए। मैं नहीं चाहती कि आप अपनी अम्मी से मेरे लिए उलझे। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, प्लीज़ सुनिए, मैं उन्हें, हम कहीं आराम से बैठ कर भी तो ये बात कर सकते हैं। यहाँ सड़क पर इस किस्म की बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप पहले ही मेरा बहुत तमाशा बना चुके हैं, मजीद तमाशा मत बनाएं। जो कुछ भी हुआ वो सब आपकी वजह से हुआ। आज मैं आपकी वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से दरबदर हो रही हूँ। मैं मानता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ, लेकिन मैं अपनी गलती का अजाला करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे फिर नहीं मिलना चाहती, आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा।